हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। नमस्कार, मैं बबीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बबीतास किचन में। आज मैं आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं काली गाजर। ये काली गाजर, चार बड़ी गाजर ली है मैंने। इसको अच्छी तरह धो के छील के काट लिया, ऐसे स्लाइसिस में, लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिए हैं और इसको रख दिया। इसके लिए चाहिए काला नमक, काली मिर्ची का पाउडर और सफ़ेद नमक। और ये राई, देखिए फ्रेंड्स, ये वाली राई चाहिए, ये राई होती है, ये चाहिए। वो काले दाने से होते हैं, वो काली सरसों होती है, वो नहीं चाहिए हमें। मैंने काली इस राई को मैंने ऐसे दरदरा पीस लिया मिक्सी में, ऐसा चाहिए। अब और चाहिए इसके लिए पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है। ये 2 लीटर पानी मैंने लेके इसे बॉईल करने रख दूंगी। इसे एक अच्छी तरह उबाल आना देना है और इसको उबलने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पानी उबल गया है, मैंने इसे गैस बंद कर दी थी ये, और मैंने इसे छोड़ दिया, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों में हम पीते थे स्कूल के बाहर, याद होगा किसी को, कांजी जी, हाँ, जो मटके में आती थी जी, वही स्वाद वही टेस्ट के लिए आज मैं इसको मटके में बनाऊंगी। ये देखिए, साफ सुथ कर लिया मैंने, मटका ले लिया, साफ कर लिया। अब इस मटके में हम सबसे पहले गाजर डालेंगे। आप इसके लिए कांच का कंटेनर भी ले सकते हैं, उसमें भी बना के रख सकते हैं, पर मेरे को तो वही स्वाद चाहिए था तो इसलिए मैंने मटका लिया है। ये देखिए, इसमें मैं सारी गाजर जो काटी है मैंने, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये गाजर मेरी सारी डाल दी मैंने इसमें। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें वाइट नमक डालूंगी। मैंने 4 बड़ी गाजर ली है, इसके लिए मैं 1 चम्मच नमक, वाइट नमक डाल रही हूँ। मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो वही डाला है, आप जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो। और 2 चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे। अगर आप नमक थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा काले नमक की क्वांटिटी बढ़ाइएगा। और ये जो राई है, इसको मैं 4 बड़ी चम्मच, मैंने 4 गाजरें ली है इसलिए 4 चम्मच मैं राई डालूंगी। ये 4 टेबल स्पून है, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं, 4 टेबल स्पून हम इसमें राई डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्ची, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे। काली मिर्ची खट्टी चीज़ में, अगर आप काली मिर्ची डाल के खाते हैं तो उससे आपका गला नहीं पकड़ता। राई खट्टी होती है, ये कांजी थोड़ी खट्टी बनती है, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच। और 1 पिंच ऑफ हम हल्दी, हींग डाल देंगे, हींग से हमारा डाइजेशन सही रहता है। अब इसको हम अच्छी तरह से एक बड़े से चमचे की सहायता से चला देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो इक्वल हो जाएं इसके अंदर और ये चल जाए। देखिए बिल्कुल ऐसे। Nice. देखिए, अब ये सारी हमारी मिक्स हो गई है, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। ये देखिए, और ये जो हमारा पानी है, ये मेरा रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो गया है। अब मैं इसको सारा पानी इसके अंदर डाल दूंगी। ये पूरा 2 लीटर पानी जो है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह डाल के, और अब मैं इसको मिला दूंगी। अभी मैंने इसको अच्छी तरह मिला दिया। अभी देखिए, पानी का कलर वाइट ही है, पर 2-3 दिन हमें इसे धूप में रखना पड़ेगा। 2-3 दिन बाद जब हम इसे खोल के देखेंगे तो इसका कलर और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉटन का कपड़ा लेना है और इससे इसका मुंह को अच्छी तरह बांध के रख देना है। इसे मैं अच्छी तरह कपड़े से बांध दूंगी। ये देखिए, ऐसे करके यहाँ से मैं इसको बांध दूंगी। ये देखिए, ये बंद गया। अब हम इसे 2-3 दिन बाद हम खोल के देखेंगे, तब इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कलर भी। तो चलिए मिलते हैं 2-3 दिन बाद। 3 days later. अब हम इसको खोल के देख रहे हैं। ये 3 दिन मैंने बोला था 3 दिन रखा है, पर 2 दिन मैंने इसे धूप में रखा और 1 दिन मैंने इसे छांव में रखा है। अब हम इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे गिलास में डालेंगे। पहले हम इसमें गाजर डालेंगे। ये देखिए, नीचे गाजर डालेंगे, फिर ऊपर से इसका पानी डालेंगे। जैसे वो कांजी वाले अंकल होते थे ना, अब अच्छी तरह चला चला के इसका पानी डालते थे ताकि मसाले सारे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं, वैसे ही हम डालेंगे इसको। ये देखिए, ये हमने डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे गार्डन ऊपर से।
इसके लिए पहले हमने थोड़ी सी मैंने लीफ ली है, ये कोरिएंडर लीव्स है, धनिया के पत्तियाँ इसको डाल देंगे। आप धनिया के पत्ते की जगह इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। तो लगे अपने हिसाब से डेकोरेट करना है। और थोड़ा सा लेमन जूस, ये ऑलरेडी खट्टी है पर फिर भी ऊपर से लेमन जूस डालने से टेस्ट अच्छा आएगा। और ये एक स्लाइस मैंने ली है कट करके इसको डेकोरेट कर। ये देखिए रेडी है हमारी कांजी एकदम पीने के लिए। इसे पीजिए, इंजॉय कीजिए। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए किस किस ने बचपन में ये कांजी पी है, किसको अपने बचपन के दिन याद आए इस कांजी को देखकर। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताइए। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मेरा चैनल जल्दी ग्रो करेगा और आपको अच्छी अच्छी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूंगी और ताकि मैं भी आपके साथ जुड़ सकूं, आपकी फैमिली मेम्बर बन सकूं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।